दिमाग और हिम्मत से काम लिया जाए तो शातिर से शातिर अपराधियों को पस्त किया जा सकता है। ऐसे ही एक 11 साल के बच्चे ने अपहरणकर्ता के हाथ में दांत से काट लिया और गाड़ी से कूदकर वहां से भाग निकला और अपनी जान बचा ली। जानकारी के अनुसार एक व्यापारी के 11 साल के बेटे ने इस छोटी सी उम्र में समझदारी और बहादुरी की मिसाल कायम की है। बहादुर बच्चा हथियारबंद दो अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकला। इतना ही नहीं, ये बहादुर बच्चा करीब 2 किलोमीटर तक नंगे पैर दौड़कर अपने घर पहुंचा है। मामला है गाजियाबाद के मुरादनगर का, जहां राधे श्याम विहार निवासी रेडीमेड गारमेंट्स के व्यापारी धर्मेंद्र राठी के 11 वर्षीय बेटे आरव का दो हथियारबंद बदमाशों ने आयुध निर्माणी ROB से अपहरण कर लिया था। बदमाश इको कार में डालकर आरव को कहीं ले जा रहे थे। एक बदमाश ने आरव की गर्दन पर चाकू लगाया हुआ था, जबकि दूसरे के हाथ में भी धारदार हथियार था। मौका देखकर आरव ने एक बदमाश के हाथ में काट लिया और खिड़की खोलकर सड़क पर कूद पड़ा। हक्के बक्के बदमाश कुछ समझ पाते उससे पहले ही आरव ने सड़क पर दौड़ लगा दी। आरव नंगे पैर करीब 2 किलोमीटर तक दौड़ा और अपने घर पहुंचा। आरव की बहादुरी और समझदारी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और अपहरणकर्ता कौन थे इसकी जानकारी फिलहाल जुटाई जा रही है। लिहाजा पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हम रेलवे रोड से सब्जी लेकर आ रहे थे तो रॉन्ग साइड से एक वैन में आए थे, वे कहने लगे रुक रुक रुक, इसलिए मैंने डर के मारे उन्हें फैक्ट्री की तरफ को साइकिल मोड़ दी थी और ऊपर को जाने लगा था। तो ऊपर जाने जाने पर स्पीड कम हो जाती है ना, तो उन्होंने गाड़ी हटा के मेरी साइकिल अंदर और मेरे को अंदर बिठा लिया और पुल पे से घुमा के वहाँ पे खड़ा गाड़ी खड़ी करके मेरे को कपड़े उतार के साइकिल बाहर निकाल के और कपड़े बाहर फेंक कर लगे। उनके हाथ में चक्कू था और एक कंच का पीस था और जब उनका उन पे दारू की बोतल भी थी। जब उनका हाथ ढीला हुआ मैंने उनके काट के भाग गया आया। बात हो गई, आप लोग कैसे इकट्ठे हुए हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है जी, रावली रोड जीतपुर का निवासी हूँ। ये मेरा बेटा है, सब्जी लेने आया था रेलवे रोड पे, आरव राठी साइकिल से। जब ये घर की तरफ जा रहा था तो इसे चार गाड़ी में चार व्यक्ति थे अज्ञात, जिन्होंने इसे अगवा करा साइकिल समेत और पूरे ओनर्स फैक्ट्री का चक्कर काट के दे के नीचे उन्होंने गाड़ी पुल के नीचे गाड़ी लगाई, इसके कपड़े वपड़े उतारे, इसकी साइकिल फेंक दी, जैसे तैसे अपनी जान बचा के हाथों हाथ में काट गए, नंगे शरीर यहाँ से दौड़ा दौड़ा अपने घर गया जान बचा के अपनी जीतपुर तक 5-6 जगह हो गिरा है बच्चा। ना तो कोई यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ना प्रशासन ने किसी ने ध्यान दिया, किसी भी तरीके कोई सुनवाई नहीं है। अब आपने लिखित में तहरीर दे दी? लिखित में तहरीर दे दीजिए। तो क्या कहना है चौकी इंचार्ज का? अभी तो 2 घंटे में कई वायरलेस हुआ ना जी, कह रहे हैं कैमरे की रिकॉर्डिंग देखेंगे। 26 नवंबर को थाना मुरादनगर में एक सूचना प्राप्त हुई जिसके तहत एक 11 साल के बच्चे का अपहरण करने का प्रयास किया गया। सूचना मिलते ही थाने पे उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस अभी इसी कार्रवाई में जुटी हुई है कि हर एक पहलू से उसकी जांच करके शीघ्र ही गिरफ्तारी करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बता दी कि व्यापारी का 11 साल का बेटा अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने घर के लिए सब्जी लेने जा रहा था। इसी बीच कार सवार बदमाशों ने उसका अपहरण करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि बच्चे ने बदमाश के हाथ पर काट कर वहाँ से भागने की हिम्मत जुटाई और इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। ब्यूरो रिपोर्ट अखबार वाला .com।